वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। करवा चौथ का दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि करवा चौथ का ये व्रत जितना कठिन होता है, उतना ही इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। जी हाँ, करवा चौथ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यही नहीं, आपकी करवा चौथ की थाली में कुछ चीजों का होना भी जरूरी होता है। तो आइए जानते समझते हैं करवा चौथ पर क्या करें और क्या नहीं। इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ है, ऐसे में आइए जानते हैं आपकी पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। छलनी, दीपक, सिंदूर, करवा चौथ कैलेंडर, चंदन, पानी, सुहागिनों का सामान, आपकी पूजा की थाली में ये चीजें होनी जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि आखिर करवा चौथ के दिन क्या ना करें। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के दिन किसी भी धारदार वाली चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब करवा चौथ के दिन कैंची, सुई, चाकू किसी के भी इस्तेमाल से बचना चाहिए। कोशिश करें कि सफेद और काले रंग के कपड़े पहनने से भी आप बचें, और साथ ही साथ यह भी कोशिश करें कि लाल रंग का कपड़ा ही पहने, क्योंकि यह सुहाग का रंग कहा जाता है। कथा सुनने के बाद से शाम की पूजा तक, चांद दर्शन से पहले तक आप भजन कीर्तन जरूर करें। अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो जरूर ध्यान दें कि आपकी सरगी आपके पास जरूर हो। करवा चौथ पर किसी सफेद चीज का दान ना करें। व्रत रखने वाली महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा में आटे के दिए का प्रयोग करना चाहिए, इसको उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है। मिट्टी, पीतल, चांदी और तांबे के दिए के भी अपने अलग अलग महत्व होते हैं, लेकिन करवा चौथ में आटे के दिए से ही पूजा करना ज्यादा शुभ माना गया है। अगर महिला करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो इस दिन लाल और पीले कपड़े पहनना बेहद ही शुभ माना गया है। करवा चौथ में 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि ये एक सुहागिन का व्रत होता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा करें और पति की लंबी उम्र के साथ बाकी तमाम शुभ फलों की प्राप्ति करें। नमस्कार।